हाई गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आई नो आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं नायका हॉल। तो नायका पे ना रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली सेल चल रही थी, हॉट पिंक सेल, एंड मैंने इस बार काफ़ी सारी आइटम्स शॉप की हैं। लेट मी शो यू, बहुत ही सारी आइटम्स हैं इस बार। मैंने बहुत लंबे टाइम बाद नायका से मेकअप की शॉपिंग भी की है, बिकॉज यू गाइज नो दैट कि आई एम गेटिंग मैरिड। तो मुझे उसके लिए ना लाइक मेकअप वैनिटी भी, लाइक थोड़ा सा जो मेकअप किट होती है वो भी बनाती थी। ऑल्दो मेरे पास काफ़ी सारा सामान है, यू नो दैट, बट ये थोड़ा सा मैंने लक्स स्टोर से थोड़ा सा सामान लिया, क्योंकि मैं अपना जो मेकअप है, सारे वेडिंग का मेकअप, सारे फंक्शंस का मेकअप मैं खुद ही करने वाली हूँ, लाइक ब्राइडल, यू नो, एंगेजमेंट, हल्दी, मेहंदी, एवरीथिंग, मैं सब कुछ खुद ही करने वाली हूँ। सो मुझे थोड़ा बहुत सामान चाहिए था उसके लिए। सो आई थॉट कि ठीक है, मैंने इतनी सारी शॉपिंग कर ही लिया तो आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए रिव्यू, एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइसेस में ये सारे प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। सो यस, अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं नायका हॉल, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग जाती है, ये मेरे चैनल पर कुछ भी अच्छा लग जाता है, देन आप कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहां पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस डब्बे से। सबसे पहले मंगवाया है मैंने ये के ब्यूटी का, लाइक के बाय कैटरीना का ट्रांसलूसेंट पाउडर। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक नाउ, यू कैन सी, ये इसकी पैकेजिंग है। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, व्हाइट कलर के कार्डबोर्ड वगैरह में आता है। सबसे पहले मैं आप लोग को प्राइसेस बता देती हूँ। इसका प्राइस है 799 रुपीज, एंड ये मुझे 799 का ही मिला। इसके ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं था। आई वॉज थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड कि यार कुछ तो डिस्काउंट देना चाहिए था के बाय कैटरीना को। आई थिंक देयर वाज सम ऑफर, बाय वन गेट वन ऐसा कुछ था, बट मेरे को और कुछ नहीं लेना था। सो ये लूज पाउडर ही लेना था। मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यू सुने इस लूज पाउडर के, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो मुझे शेड कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा शेड लूँ, इसलिए मैंने ना ये ट्रांसलूसेंट वाला शेड ले लिया। यू कैन सी ट्रांसलूसेंट शेड है ये, वाइट कलर का होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं आता। अगर आप किसी भी स्किन टोन के ऊपर लगाओगे तो उसके ऊपर कोई भी कलर नहीं आएगा। द सेकेंड प्रोडक्ट दैट आई बॉट इज अ मार्स की लिपस्टिक। दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। मार्स, यू नो दैट इट इज़ वेरी गुड ब्रांड। मेरे को मार्स के प्रोडक्ट पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आज मैंने आई मेकअप भी मार्स की आई शेडो पैलेट से किया, एंड आई वॉज वेरी, यू नो, एक्साइटेड कि मार्स फाइनली नायका पे भी लॉन्च हो गया है। सो मैंने ये लिपस्टिक लिया उनकी, इसका प्राइस है 299 रुपीज़, बट डिस्काउंट के बाद ये मुझे मिली 218 रुपीज़ में। इसमें जो मेरा शेड है वो है स्माइल प्लीट्स। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लिपस्टिक, यू कैन सी, लेट मी शो यू द शेड, यू कैन सी इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पिंक शेड। बहुत ज़्यादा क्रीमी लिपस्टिक है, प्लस मैट लिपस्टिक है, मतलब लगाने में ये क्रीमी लगती है, क्रेयॉन जैसी लगती है, बट आप जब लगाओगे इसको प्रॉपर या अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। आई रियली लाइक इट, मतलब 200 कुछ रुपये में इतनी ज़्यादा सुंदर लिपस्टिक। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू आर बड़े वाला डब्बा, चलिए जी खजाना खोल लेते हैं। इज अ लोरियल पैरिस एक्सेलेंस का हेयर कलर। दिस इज व्हाट इट लुक्स। आई एम इन द शेड 5.54। ये है वॉर्म अर्बन शेड है ये, कुछ इस टाइप का। मैंने ये शेड देखा तो मुझे अच्छा लग रहा था, एंड आई एम प्लानिंग टू कलर माई हेयर अगेन। यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा मेरा जो कलर है ना वो निकल चुका है, सिर्फ हल्का हल्का नीचे नीचे के बालों में कलर रह गया, यहाँ से तो सारा ही फेड आउट हो चुका है। एंड मैं शादी के टाइम के आसपास लाइक कलर करने का प्लान कर रही हूँ। सो या इसलिए मैंने ये मंगवाया। इसका प्राइस है 650 रुपीज़, बट डिस्काउंट के बाद ये मुझे मिला 519 रुपीज़ में। है गार्नियर का माइसेलर वाटर। दिस इज वॉट इट लुक्स। पिंक वाला मैंने लिया, पिंक वाला वेरिएंट, क्योंकि येलो वाला ना थोड़ा सा ऑयली काइंड ऑफ है, लाइक उसमें ऑयल भी मिक्स होता है, तो मुझे वो थोड़ा सा सूट नहीं करता, मुझे ये वाला ज़्यादा बेटर लगता है। इसका प्राइस था 349 रुपीज़, बट डिस्काउंट के बाद ये मुझे मेरा 245 रुपीज़ में ओनली, एंड आई थिंक ये 400 ml है। येस, दिस इज 400 ml। सो द नेक्स्ट थिंग इज अ लॉरेल पैरिस का ये मस्कारा, वॉल्यूमिनस मस्कारा। यू गाइस नो हाउ मच आई लव दिस मस्कारा। ये मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, लाइक बिल्कुल ज़रा सा रह गया ख़त्म होने वाला, तो रीफिल मैं लाइक मैंने नया पैकेट मंगवा लिया। इसका प्राइस है 799 रुपीज़, बट डिस्काउंट के बाद ये मुझे 519 रुपीज़ मिला। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मस्कारा, बड़ी अच्छी लेंथ देता है, वॉल्यूम देता है, मतलब परफेक्ट मस्कारा है। अगर आप कोई अच्छा सा मस्कारा ढूंढ रहे हो अफोर्डेबल प्राइस में, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। ये थोड़ा सा नया प्रोडक्ट लिया है। ये है डेली फॉरएवर 52 का कंसीलर। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स, एंड इसमें मेरा शेड है नेचुरल शेड। इसका प्राइस है 899 रुपीज़, ये मुझे पड़ा 809 रुपीज़ में। इसमें कोई ज़्यादा खास डिस्काउंट नहीं था, एक्चुअली इट्स अ न्यू लॉन्च बाय फॉरएवर 52, इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ खास इसमें डिस्काउंट नहीं दिया। यू कैन सी दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग, काफ़ी ज़्यादा यू नो लग्जूरियस एंड स्लीक सी पैकेजिंग है। आई रियली लाइक इट। मैंने इसके भी रिव्यूज़ देखे थे, काफ़ी अच्छा कंसीलर है ये, लाइक फॉरएवर 52 का एक पुराना कंसीलर भी है। पहले मैं वो लेने का सोच रही थी, देन आई थॉट यार ये
नए वाले के ज्यादा अच्छे रिव्यूज है, नया वाला ट्राई करना चाहिए. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंसीलर. मैंने इसको आज ट्राई करके देखा अपने आईज के ऊपर, बिल्कुल परफेक्ट मैच है मेरे स्किन टोन से. मुझे परफेक्ट वाला ही चाहिए था. लाइट कंसीलर तो है मेरे पास, मुझे परफेक्ट वाला चाहिए था. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंसीलर, मीडियम टू फुल कवरेज देता, बहुत अच्छा कंसीलर है. मूविंग ऑन टू आवर अनदर प्रोडक्ट दैट इज मेकअप फिक्सर, एंड ये है पैक का माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर. दिस इज व्हाट इट लुक्स. इसका प्राइस है 995 रुपीस, डिस्काउंट के बाद मुझे मिला 846 रुपीस में. दिस इज व्हाट इट लुक्स एंड इट्स अ वेरी 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 गुड मेकअप फिक्सर. मैंने इसके बहुत रिव्यूज सुने थे, मतलब बहुत सारे लोग कहते थे यार बहुत अच्छा मेकअप फिक्सर है, प्लस इसकी फिनिश अच्छी है, प्लस सबसे अच्छी बात यह इसका ना जो स्प्रे है वो बहुत ज्यादा फाइन है. एंड लेट मी शो यू, मैंने इसको एक ही बार ट्राई किया एंड दिस इज द बेस्ट स्प्रे आई हैव एवर यू. बहुत ज़्यादा अच्छा मेकअप फिक्सर, प्लस की ना फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही कामिंग सी, यू नो स्वीट सी फ्रेग्रेंस. ये बेसिकली लाइक एक्ने पैचेस कहते हो जैसे आप, वो हैंगे. ये नायका के हैं, 100 रुपीज़ प्राइस था इसका, बट डिस्काउंट पे 80 रुपीज़ के. ओके, मूविंग ऑन टू सम लिपस्टिक्स. सो इस बार मैंने दो तीन लिपस्टिक्स लिए हैं. सबसे पहले है ये नायका की गेट सेट मैट डेमी मैट लिपस्टिक इन द शेड गोल्स. इसका प्राइस 399 है, बट डिस्काउंट के बाद ये मुझे सिर्फ 200 रुपीज में पड़ी. ये बेसिकली लाइक ना ये लिपस्टिक है ना ये लिप ग्लॉस है, इट्स काइंड ऑफ अ मिड बीच का कुछ है. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक वेरी स्लीक पैकेजिंग, काफ़ी ज़्यादा मैट काइंड ऑफ पैकेजिंग है, यू कैन सी. एंड दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल न्यूड पीची शेड, लाइक पीची टोन भी है, हल्की सी पिंक टोन भी आ रही है एंड न्यूड टोन भी है. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल शेड. एंड अनदर प्रोडक्ट दैट आई बॉट इज अगेन अ लिपस्टिक दैट इज बाय रेवलॉन. यह रेवलॉन की कलर स्टे सैटिन इंक लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड योर गो टू. इसका प्राइस 999 रुपीज़ है, डिस्काउंट के बाद ये पड़ी 699 रुपीज़. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लग्जूरियस काइंड ऑफ पैकेजिंग, यू कैन सी. नाउ रेवलॉन मैंने आज तक कभी इस ब्रांड का कुछ भी नहीं ट्राई किया, बट आई हैव सीन लीना भूषण की मैंने स्टोरी देखी थी एंड उन्होंने आई थिंक कोलाब्रेशन वगैरह में इसके साथ स्वॉचेज दिखाए थे. रेवलॉन के सारी लिपस्टिक्स के इस रेंज के सारे स्वॉचेज दिखाए थे, मुझे बहुत सुंदर लगा था ये. एंड ये ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल सा ग्लॉसी क्रीमी इफेक्ट देता है, लाइक ग्लॉस भी नहीं लगता, क्रीम भी नहीं लगता, बीच का है कुछ. अभी तक मुझे भी समझ नहीं आया, मैंने इसको ट्राई नहीं किया. एंड दिस इज व्हाट द शेड लुक्स लाइक, यू कैन सी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्राउनी न्यूड शेड, बहुत ज़्यादा सुंदर है. इसको भी मैं एक किसी लिपस्टिक के साथ मिक्स एंड मैच करके लगाऊंगी ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा. आई नो इट इज़ अ लिटिल कॉस्टली, लाइक 999 का है, डिस्काउंट के बाद भी ये 799 का और मे बी 699 का मुझे पड़ा. इट इज़ अ लिटिल कॉस्टली बट इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग इट बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस लग रही है. एंड अनदर प्रोडक्ट दैट आई बॉट लाइक ये फ्रीबी काइंड ऑफ था, नायका के साथ कुछ ऑफर चल रहा था. ये मुझे मिला है साथ में नायका का मिनी शैम्पू एंड इसमें उन्होंने लिखा था एनी शेड, बट ये मुझे एप्पल साइडर विनेगर एंड जिंजर वाला शैम्पू मिल गया. लाइक ट्यूब काइंड ऑफ पैकेजिंग है इसकी. आई थिंक कितने एमएल है ये, 10 ml 20 ml की ये पैकेजिंग है इसकी. ये मुझे फ्री मिल गई साथ में. एनीवे किसको नहीं पसंद आजकल फ्री. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू आर लग्जूरियस कैटेगरी लाइक लग्जूरियस बॉक्स. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बॉट समथिंग लक्स फ्रॉम नायका एंड आई एवर सिंस नायका लॉन्च, लाइक नायका में मैं कुछ ना कुछ लेती थी ना, आई वॉज ऑलवेज क्रेमिंग कि यार मैं कब ऐसे वाले बॉक्सेस लूँगी, कब मेरे पास ऐसे बॉक्स आएंगे या कब मैं इसमें कुछ लूँगी. सो दिस इज़ द टाइम कि मैंने कुछ लक्स लिया है नायका से. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई बॉट is MAC का foundation. This is my first ever MAC का foundation. I have tried MAC before when I was in my training period. Like जब मैं सीख रही थी मेकअप तब मैं MAC यूज़ करती थी एंड तब से मुझे MAC बहुत ज़्यादा सुंदर लगता था. एंड इट इज़ ओवर प्राइस, लाइक 3500 की ही बॉडी वाली बॉटल है इसकी. बट थैंक यू टू नायका और MAC वट एवर लाइक नायका MAC बेसिकली जिन्होंने अपनी मिनी बॉटल लॉन्च की एंड दिस इज़ फॉर लाइक 1750 रुपीज़ फ्रिकिंग 1750. बहुत ही छोटी सी बॉटल है, मैं आप लोगों को अभी खोल के दिखाती हूँ. एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है NC30. नाउ इसके पीछे भी एक कहानी है. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, लाइक MAC के ऊपर ऑफर चल रहा था, आप कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो साथ में ये छोटे वाला जो इनकी स्ट्रोब क्रीम का मिनी सैम्पल है ये आपको फ्री मिलेगा. तो ये मुझे साथ में फ्री मिला. एंड लेट मी शो यू कि कितनी ज़्यादा छोटी बॉटल है यार. यार ये मुश्किल से ना 5-6 बार ही मेरा यूज़ होएगा.
यू कैन सी, कैन यू सी दैट कि कितनी ये मेरे हाथ से कितनी छोटी बॉटल लग रही है. मुश्किल से 5-6 बार ये यूज़ होएगा मेरा, मैं बहुत ही ध्यान से इसको यूज़ करूँगी. इट इज़ फॉर 1750 रुपीज़ एंड साथ में मुझे इसका जो लाइक ये फ्री भी मिला है स्ट्रोब क्रीम. एवर सिंस लाइक स्ट्रोब क्रीम लॉन्च तो सारे लोग बोलते थे यार स्ट्रोब क्रीम स्ट्रोब क्रीम. सो आई थॉट कि यार ठीक है दे दो, मैं भी ट्राई करती हूँ स्ट्रोब क्रीम. सो दिस इज़ द स्ट्रोब क्रीम दैट आई बॉट एंड देख सकते हो कितनी छोटी सी पैकेजिंग है. इसको मैंने आज यूज़ किया हल्का सा, मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा बिकॉज और भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आजकल स्ट्रोब क्रीम के टक्कर वाले आ चुके हैं. एंड या इसमें मैंने शेड लिया NC30. नाउ लिटिल बैक स्टोरी, मैंने इसमें पहले शेड लिया था NC25, वो मुझे रिसीव हुआ बट वो मुझे देख के लग रहा था यार ये तो बहुत ज़्यादा डार्क है, लाइक एक टोन डार्क था मेरी स्किन टोन से. सो मैंने ऐसे स्क्रॉल किया, मुझे लग रहा था कि नायका की कोई रिटर्न या एक्सचेंज की कोई पॉलिसी तो है नहीं, बट मैंने ऐसे स्क्रॉल किया तो मैंने देखा कि नायका की रिटर्न और एक्सचेंज की पॉलिसी एक्चुअली में है. एंड आई वॉज सो सरप्राइज कि यार कितनी अच्छी चीज़ करी है नायका ने, इन्होंने रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा ईजी कर दिया. सो आई रिटर्न्ड दैट फाउंडेशन, मैंने उसको रिटर्न कर दिया. एंड उसके बाद क्या हुआ कि रिटर्न के टाइम वो जो फाउंडेशन के साथ मुझे ये स्ट्रोब क्रीम मिली थी वो वापस नहीं गई, लाइक जो वो डिलीवरी बॉय था वो यही लेके चला गया, ये नहीं लेके गया. तो अभी हुआ क्या, उसके बाद मैंने दोबारा से फाउंडेशन मंगवाया, NC30 मंगवा लिया. NC30 के पास भी यही सेम स्ट्रोब क्रीम आ गई. अब मेरे पास 2 स्ट्रोब क्रीम हो चुकी. बट अनदर लक्स थिंग दैट आई बॉट इज अगेन अ लिपस्टिक डुओ सेट यू कैन से. एंड ये है स्मैश बॉक्स की मिनी लिपस्टिक, यू कैन से डुओ का सेट है ये. इसमें जो मेरा शेड है एक है बिग स्पेंडर, दूसरा है डीप स्टेपिंग आउट. सो दिस इज़ बेसिकली लाइक इस वाले शेड के लिए मैंने स्पेशली ये कॉम्बो शेड मंगवाया था, कॉम्बो पैक, क्योंकि इसमें भी ना लाइक इनकी जो बड़ी वाली लिपस्टिक है स्मैश बॉक्स की काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है यार, 2000 से ऊपर की है. एंड ये जो इनका कॉम्बो सेट है ये 109 रुपीज़ का, 1090 का पड़ा, लाइक 1090 का, विच इज़ प्रिटी अफोर्डेबल. एंड दीज आर द लिपस्टिक दैट आर इन द बॉक्स, स्मैश बॉक्स की लिपस्टिक. यू कैन सी वेरी वेरी लग्जूरियस लिपस्टिक, आई रियली लाइक इट. इस शेड के लिए बेसिकली मैंने ये कॉम्बो शेड लिया एंड लिटरली मुझे ये वाला शेड इतना ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा है, इसको मेरे को किसी चीज़ के साथ मिक्स एंड मैच करके यूज़ करना पड़ेगा तो अच्छा लगेगा. अदरवाइज इस शेड के लिए बेसिकली मैंने ये कॉम्बो सेट लिया एंड इट्स अ नाइस लिपस्टिक, वेरी वेरी ब्यूटिफुल लग्जूरियस लिपस्टिक, लाइक यू कैन फील, टच करके आपको पता चल जाएगा कि ये लग्जूरियस लिपस्टिक है. एंड द लास्ट फ्री बी दैट आई गॉट विद द लाइक स्मैश बॉक्स के साथ भी कुछ ऑफर था, उसमें था स्मैश बॉक्स का फ्री फोटो फिनिश स्मूथ ब्लर प्राइमर, जो उनका जो सबसे फेमस प्राइमर है ना वो आपको मिलेगा. एंड दिखा रखा था कि ट्यूब मिलेगी, दे दिया ऐसे पाउच में. अब इसका पाउच का क्या करूँगी मैं, ये ना मुझे ऐसी बड़ी बहुत ही घटिया मार्केटिंग लगती है, इनकी स्ट्रैटेजी होती है जो भी, कि ऐसे छोटा सा पाउच में देते हैं. अब मैं इसको एक ही बार खोलूँगी तभी पूरा यूज़ कर लूँगी. एंड या गाइस फिर दिस इज़ द हॉल, दीज आर द आइटम्स दैट आई बॉट फ्रॉम नायका. इसी में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो गए एंड अभी 2 आइटम्स मेरी ऑलरेडी आनी है, लाइक मैंने उसके लिए लेट ऑर्डर प्लेस किया था. एंड मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम पे पूछा था कि आप लोग हॉल को अभी देखना चाहते हो या उनकी मैं वेट करूँ, एंड मोस्ट ऑफ यू गाइज वोटेड कि यार जल्दी से जल्दी दिखा दो. सो दिस इज़ द हॉल दैट आई लाइक, दिस इज़ द प्रोडक्ट्स दैट आई बॉट फ्रॉम नायका. लेट मी नो इन द कॉमेंट्स आप लोग को इनमें से सबसे अच्छा कौन सा प्रोडक्ट लग रहा है, अगर आप लोग भी इनमें से कोई प्रोडक्ट ट्राई कर चुके हो आपका एक्सपीरियंस कैसा इन प्रोडक्ट्स के साथ. एंड ऑल्सो इन सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. इफ इन केस अगर आपको इनमें से अभी भी कोई प्रोडक्ट उसी प्राइस पर मिल जाता है जिस प्राइस पर मैंने लिया है तो डेफिनेटली यू कैन परचेज द प्रोडक्ट बिकॉज ऑलरेडी नायका पे जो सेल है वो खत्म हो चुके हैं, कल रात को ही सेल खत्म हो गई है. आई एम सो सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ, एक दिन पहले डाल देती तो आप लोग भी परचेज कर पाते, बट एनी वेज और सेल्स भी आती रहती है तो आप उस वीडियो को सेव करके अपने प्रोडक्ट्स को विश लिस्ट में सेव करके नेक्स्ट सेल के लिए विश लिस्ट में डाल के रख सकते हो. एंड या गाइस फिर इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस.